हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एरा। जैसा कि हम व्याकरण का हर एक चैप्टर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम्स टाइम नज़दीक है तो आपको प्रिपरेशन फटाफट कर लेना चाहिए, तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आज सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे वह, तुम, वहाँ, यहाँ वगैरह। तो यहाँ पे सर्वनाम कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स, हाउ मच, 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स आते हैं। मतलब एक सर्वनाम के कितने काइंड्स हैं? 6 काइंड्स हैं। 6 काइंड्स में से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं बात कर रही हूँ, अब मैं अकेले तो बात नहीं कर सकती हूँ, आई नीड अ पर्सन टू हूम विल आई टॉक। तो इसका मतलब है मैं जिस इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ बात कर रही हूँ वो है मध्यम पुरुष, मतलब सेकंड पुरुष। मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहा है, ठीक है, तो वो सुनने वाला, वो श्रोता हो गया मैं बोलने वाली। और हम दोनों बहुत टाइम बात कर रहे हैं और उसके बाद में अगर मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या हो गया, वो अन्य पुरुष हो गया, मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष मतलब कोई और जो मुझे सुन रहा है, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब डेफिनेट, आई विल डू, डेफिनेटली आई विल डू दिस थिंग। हमको किसी चीज़ को करने का जज्बा है, नहीं हम करेंगे ही, इसका मतलब है वहाँ पे निश्चितता है, वहाँ पे किसी चीज़ की निश्चितता है, मतलब आप उस चीज़ को करें, मतलब आपने उस चीज़ को करना ही करना है। तो यहाँ पे पास या दूर के लिए हम अगर कन्फर्म है कि मेरे घर की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर की दूरी है, मतलब आपको पता है कि आपने मापा है, बट ऑफकोर्स अगर आपने मापा होगा तभी आप डेफिनेटली बोल सकते हो, नहीं नहीं 200 फीट है या 200 किलोमीटर है या 200 मीटर है, तभी आप बोल सकते हो। और किसी वस्तु के, किसी वस्तु के बारे में, टोकरी में 2 आम रखे हैं, 2 आम मतलब आपको पता है कि कितने आम है, पता है 2 आम है, मतलब आप एकदम कंफर्म हो कि आपको फ्रिज में से 1 येलो वाली बॉटल निकाल के पानी का लाना है, मतलब आप उस जगह पे भी कंफर्म हो, मतलब आप यहाँ एक निश्चय, निश्चितता की तौर पे बात कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे यह मेरी किताब है, आप किसी और की किताब को तो अपनी किताब नहीं कह सकते हो, मतलब आपको पता है कि ये पेन मेरा है, तब उसी कंडीशन में आप कहोगे, मतलब आप कंफर्म हो कि ये चीज आपकी है। द थर्ड वन इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब हमको पता है ऐसा हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, कौन है, क्या है, कुछ वो हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे किसी चीज के लिए अगर हम कन्फर्म नहीं है, अनिश्चित प्राणी, पदार्थ या वस्तु, इनके लिए अगर हम कन्फर्म नहीं है, मतलब वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई गेट पे बाहर है, कोई गेट पे है, अब कौन है हमको नहीं पता, लेकिन कोई है। लेकिन अगर राम बाहर खड़ा है तब हमको क्या पता है वहां पे राम खड़ा है, मतलब हम एकदम निश्चित, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वहां पे राम नाम का लड़का ही खड़ा है। लेकिन यहाँ गेट के बाहर कोई है, कौन है हमको नहीं पता। टोकरी में कुछ फल रखे हैं, अब कितने फल रखे और कौन से फल रखे हमको वो भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें अगर हम अनिश्चय, मतलब हमको जब पता नहीं होता है कि हम कंफर्म नहीं होते किसी चीज के लिए, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपके सामने आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब संज्ञा जहां ना लगाकर हमें वहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, वहां पे आपको क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये कैसे होता है, जैसे दूध में क्या है, अब दूध में क्या है, दाल में कुछ है, अब काला है पीला है हमको नहीं पता, पर दाल में कुछ है, मतलब यहाँ पे आप उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, एक आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मतलब है प्रश्नवाचक, जो हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। हमारा पांचवा आता है संबंधवाचक। संबंध, आप संबंध से खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसी रिलेटिव, मतलब हम किसी का किसी के साथ में संबंध अगर जोड़ते हैं एक सर्वनाम शब्द का, 2 सर्वनाम शब्द, मतलब एक सर्वनाम मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, 2 सर्वनाम शब्दों को आपस में परस्पर मिलाने वाले को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो
वो, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप बहुत सारे शब्द प्रयोग कर सकते हो। तो संबंधवाचक सर्वनाम दो सर्वनामों का परस्पर आपस में संबंध दिखाने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट निजवाचक सर्वनाम, निज से आपको समझ में आ गया होगा, निज मतलब मैं खुद, निज निज मतलब खुद का। तो अगर निजवाचक आप सर्वनाम बता रहे हो तो वहां पे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूं, माई सेल्फ जिसको हम कहते हैं। तो यहां पे निज स्वयं क्या हो गया, स्वयं अपने आप, तो यहां पे अपने आप और स्वयं, या फिर खुद, तो मैं अपना काम खुद करती हूँ या स्वयं करती हूँ या फिर अपने आप करती हूँ, यहाँ पे आप निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जिसको। तो स्वयं अपने आप को, या फिर जो हम अपने, मैं खुद के बारे में क्या कहूँ, वह पागल अपने आप से बात करता है, अपने आप मतलब वो सर्वनाम शब्द भी है लेकिन यहाँ निजवाचक भी कहा जाता है उसको। तो अपने आप बात करता है मतलब खुद से ही खुद बातें करता है जैसे। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम जो मैंने आज सिखाया है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट करें, या फिर आपको लगे कि आपको किसी और चीज के बारे में नॉलेज चाहिए व्याकरण से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में जाके, आप प्लीज विजिट करें। और आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा उसके बारे में प्लीज आप मुझे मुझे लिखे, प्लीज शेयर माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।